गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गढ़साना। टुडे वी विल रीड द लेसन ऑफ फिफ्थ क्लास चैप्टर 7। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 7 की रीडिंग, और उससे पहले कुछ लाइंस दी गई हैं जिनको हम रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा है योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग, कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपकी नज़रों में गलत हो। What did you do then? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet? आप चुप बैठे रहे? और did you tell your friend what you thought? या फिर आपने अपने दोस्त को बता दिया कि भाई मेरी नज़र में ये गलत है। Read this story about two friends. दो मित्रों के बारे में, दो दोस्तों के बारे में आपको ये स्टोरी को रीड करना है। Who had to decide what was more important? जिनको ये डिसाइड करना था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, अपनी दोस्ती या दुश्मनी, या फिर और अ सेंस ऑफ वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, या फिर ये कि क्या गलत है और क्या सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को रीड करना। फेयर प्ले, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेसन? फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है न्यायपूर्वक व्यवहार करना, मतलब ऐसा व्यवहार करना जो सही निर्णय में हो, मतलब किसी की पक्षबाजी नहीं करना। तो पार्ट फर्स्ट में हम रीड करते हैं, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, और उनकी मित्रता इतनी गहरी थी। व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि जब कोई दोनों में से कोई एक गांव से बाहर किसी काम के लिए जाता, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा परिवार दूसरा मित्र उसके परिवार की देखभाल करता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों का गांव में बहुत ही आदर और मान सम्मान था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ जमीन या जायदाद थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, तो इस समझौते के तौर पर उसने ये जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन को दे रखी थी कि वो उसकी देखभाल करेगा और वो उसके खुद साथ ही रहेगी, मतलब वो चाची उनके परिवार में रहेगी और उसकी देखभाल जुम्मन करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कि कुछ सालों तक, अ कपल ऑफ ईयर्स मतलब एक दो सालों तक, तो ये अरेंजमेंट जो एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हुआ था ठीक चला। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन बाद में स्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, कि जुम्मन और उसका परिवार, उसकी फैमिली अपने इस बूढ़ी रिश्तेदार से थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और जुम्मन भी अपनी पत्नी की तरह ही अपनी चाची के साथ अलग व्यवहार करने लगा था। इनडिफरेंट का मतलब है अलग तरीके का व्यवहार करना। हु गज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, गज का मतलब है कुछ ऐसा काम करना जो करने का हमारा मन नहीं हो, मतलब अनमने मन से कोई काम करना, तो वो क्या करती थी जुम्मन की वाइफ उसको, जैसे लिखा है हु ग्रस्ट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड डेडी वॉन्टेड टू एवरी डे, जब वो डेली उसको खाना देती थी तो बहुत अलग तरीके से देती थी। शी अलाइड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ, अब चाची ने क्या किया कि ये जो इंसल्ट उनके घर में होती थी उनको बुरा लगता था, ये कुछ महीनों तक तो उसने सहन किया। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की, धीरज की भी कुछ सीमाएं होती हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि हम, हमारी जो सहन शक्ति होती है वो जवाब दे जाती है, फिर हम ये सब चीज़ें सहन करना छोड़ देते हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं कि थोड़े टाइम बाद में इन चीज़ों को सहन करना छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन चाची जी जुम्मन को कहती हैं, माई सन, मेरे पुत्र बात सुनो, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, अब मुझे समझ में आ गया है, इट इज़ नाउ ऑब्वियस मतलब ये क्लियर हो चुका है दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि आपके घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलायंस, कि मुझे मंथली अलायंस देना शुरू कर दो। मंथली अलायंस का मतलब है भत्ता, मतलब महीने के कुछ रुपए देने लग जाओ, सो दैट ताकि आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, कि मैं एक अलग रसोई बना सकूं, मतलब अपना खाना घर में अलग बना सकूं। तो जुम्मन क्या कहता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी अच्छे से जानती हैं कि घर को कैसे चलाना है, बी पेशेंट, धैर्य रखो, सेट जुम्मन। जुम्मन कहता है शेमलेसली, शेमलेसली मतलब बड़ी ही बेशर्मी से कहता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे चाची बहुत गुस्सा हो जाती है, उनको बड़ा ही बुरा लगता है ये। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसके बाद में वो क्या करती हैं, अपना मामला पंचायत में सुलझाने का निश्चय कर लेती हैं।
फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. कि कुछ दिनों तक बाद में देखा जाता है कि चाची कुछ लोगों से मिलती है, उनको अपना मामला सुनाती है और उनको सपोर्ट करने की उम्मीद से जाती है उनके पास. सम सिंपैथिस्ट विद हर, कुछ लोग तो उनको सांत्वना देते हैं. अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ लोग उस पर हंसते हैं. अ फ्यू अदर्स, और बाकी कुछ लोग एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. मेक इट अप का मतलब होता है घर में सुलझा लेना या फिर झगड़ा समाप्त करना, कि ये तुम्हारे घर का पर्सनल मैटर है, तुम अपने भतीजा और उसकी वाइफ के साथ ही इसको सुलझा लो. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. अंत में चाची जी अलगू चौधरी के पास आती हैं और उन्हें अपना ये मामला सुनाती हैं. यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड. तो फिर अलगू कहता है कि तुम्हें पता है चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ. बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. तो फिर चाची बोलती है, वो तो आपकी बात ठीक है कि आप दोनों अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन किसी बात को केवल इसी बात से चुप रह जाना कि हम अच्छे दोस्त हैं और जो सच है उसको नहीं बोलना, क्या ये अच्छी बात है. प्लीडेड द ओल्ड लेडी, वो जो चाची होती हैं उसको कहती हैं, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. वो कहती हैं कि तुम पंचायत में आओ और जो सच है उसे बोलो. शी सैड, वो कहती हैं कि पंचायत में आओ और जो सच है वो बताओ. अलगू डिड नॉट रिप्लाई. अब अलगू क्या करता है, उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है. बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन चाची के जो शब्द होते हैं वो उसके कानों में अभी भी गूंज रहे होते हैं. तो अभी हम पार्ट सेकंड में रीड करते हैं क्या लिखा है. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री. और सेम इवनिंग मतलब उसी शाम को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई जाती है. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. कि पंचायत का जो निर्णय होता है या फिर एक पंच की जो आवाज होती है वही भगवान का आदेश होता है. लेट माई आंट नॉमिनेट दी हेड पंच. कि मेरी जो चाची हैं उनको हेड पंच नॉमिनेट करने दो. पहले क्या होता था कि जब गांवों में पंचायत बुलाते थे कोई निर्णय करने के लिए, तो उसमें जो भी लोग अपना केस लेकर जाते थे उनको पंचायत में पंच नॉमिनेट करने के लिए बोला जाता था कि आप अपना फैसला किसके द्वारा सुनोगे, कि आप अपनी तरफ से किसको बुला के लाए हो. तो उसने कहा कि चाची अपने पंच को नॉमिनेट कर, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और आपका जो डिसीजन होगा, जो अंतिम निर्णय होगा पंचायत का, वो मैं मानूंगा. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी. कि एक पंच का ना तो कोई दुश्मन होता है ना दोस्त होता है. व्हाट यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. तो वो कहती हैं कि अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर मैं अलगू चौधरी को अपना पंच चुनती हूँ तो. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन. जुम्मन बोलता है कि ठीक है, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. तो जुम्मन उस टाइम बड़ा खुश होता है, लेकिन वो अपनी खुशी छुपाते हुए बोलता है कि ठीक है. जुम्मन सोचता है कि वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे पक्ष में फैसला सुनाएगा. चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. अलगू कहते हैं कि तुम मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में तो जानते हो. आई नो व्हाट, रिप्लाइड दी आंट. और वो बोलती है आंटी कि आई नो दैट, मुझे अच्छे से पता है. बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसीशंस, सॉरी कंसाइंस, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम केवल दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे. किल योर कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, कि अब तुम अपनी दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा को तो नहीं मारोगे, मतलब तुम जो सच है वही बताओगे. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंचायत के दिल में भगवान निवास करता है. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उसके बाद में उस आंटी ने, उस बूढ़ी चाची ने अपना मामला सभी को सुनाया. जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन कहता है, सॉरी अलगू कहता है, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. कि तुम और मैं, हम दोनों अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी चाची मुझे भी उतनी ही प्रिय है जितनी तुम्हें है. नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, आप और आपकी जो चाची जी हैं वो दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं. वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो.
तो अभी जुम्मन क्या बोलता है, 3 years अगो, 3 साल पहले, बिगन जुम्मन, जुम्मन अपना बोलना स्टार्ट करता है, बोलता है 3 years अगो माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, कि मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी, आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक वो रहेंगी उनकी देखभाल मैं ही करूंगा, हमारे परिवार में ही रहेंगी, आई हैव डन ऑल आई वुड ऑल आई कुड, कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में झगड़ा हो रहा है जिसको मैं नहीं रोक सका, नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और अभी मेरी चाची ये दावा करती हैं कि मैं उनको मंथली अलाउंस देना शुरू कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं है, दैट्स ऑल आई हैव टू से, मैंने जो कहना था कह दिया। जुम्मन वॉज क्रॉस्ड एग्जामाइंड बाई अलगू एंड अदर्स, अब जो पंचायत में लोग मामला लेकर आते हैं उनसे सभी तरह तरह के सवाल पूछते हैं, तो जुम्मन से भी सभी ने अलग अलग क्वेश्चन पुट किए, देन अलगू अनाउंस्ड, और अंत में अलगू ने जो निर्णय लिया वो सुनाता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली इन आवर ओपिनियन, कि हमने दोनों की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और हमारे विचारों में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट आ मंथली अलाइंग, और हम ये इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि जुम्मन को निश्चित ही मंथली अलायंस चाची को देना होगा, मतलब महीने के कुछ पैसे देने ही होंगे, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो वापिस करनी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, और इस फैसले के बाद में, इस पंचायत के फैसले के बाद में, वो जो पुराने मित्र थे बस कभी कभार एक साथ दिखाई देते थे, मतलब उन दोनों में दुश्मनी हो गई थी, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, और उनकी दोस्ती बिल्कुल टूट गई थी, इनफैक्ट यहाँ तक कि जुम्मन वॉज अलगूस एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, कि जुम्मन अपने आप को अलगू का बहुत बड़ा दुश्मन मान चुका था और अपना बदला लेना चाहता था। पार्ट थर्ड अब हम रीड करते हैं, डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, कि दिन बीतते गए और अलगू चौधरी का भाग्य थोड़ा खराब चलने लगा, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डेड, और अलगू चौधरी के पास बैल थे और उनमें से एक बैल मर गया, एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने जो दूसरा बैल जो बचा हुआ था उसको गांव के ही एक आदमी समझू साहू को बेच दिया, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, समझू साहू क्या था, एक कार ड्राइवर था, मतलब गाड़ी खींचने वाला था, द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और ये समझौता हुआ दोनों के बीच में कि इस बुलक का जो दाम है, जो कीमत है, वो समझू साहू एक मंथ के अंदर अंदर उसे चुका देगा, इट सो हैपन्ड दैट द बुलक डेड विद इन ए मंथ, लेकिन हुआ क्या कि एक महीने के अंदर अंदर उस बैल की भी डेथ हो गई। तो उसके आगे क्या है, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, कि उस बैल की मृत्यु हो जाने के कुछ महीनों बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट जेट पेड, कि अलगू को याद आता है कि समझू साहू ने अभी तक पैसे दिए ही नहीं है, साहू गॉट वेरी अनॉयड, लेकिन साहू तो बहुत नाराज हो जाता है, वो बोलता है आई कैन पे यू अ पैनी ऑफ पैनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, कि मैं तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, एक बीमार जानवर तूने मुझे दिया था, ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, कि उसने हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ लेकिन नुकसान पहुंचाया, आई हैव अ बुलक, कि मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, कि तुम एक महीने के लिए उसको उपयोग में लो और बाद में मुझे वापस कर देना, नो मनी फॉर द डेड बुलक, मरे हुए बैल के लिए तो कुछ पैसा नहीं है, ही सेड एंग्रीली, वो बड़ा गुस्से में बोला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने भी सोचा कि क्यों ना अभी पंचायत में मैं अपना मामला सुलझा लूंगा, फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कि महीने के अंदर अंदर दूसरी बार ये टाइम था कि दूसरी बार पंचायत बुलानी पड़ी, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वार मेड, और उस पंचायत को बुलाने की सारी तैयारियां हो गई, एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टी के लोग, मतलब अलगू और साहू, दोनों अलग अलग जाकर लोगों से मिलने लगे, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, और जो पंचायत थी वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बुलाई गई, अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंचायत का जो निर्णय होता है वही भगवान का निर्णय होता है, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को
नॉमिनेट करने दो हेड पंच, आई विल अवॉइड बाय दिस हिज डिसीजन, और उसका जो निर्णय होगा मैं मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस, अब साहू को मौका मिलता है, एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और वो जुम्मन का नाम ले देता है खड़ा होके। अलगू हार्ट सैंक, अब अलगू का दिल तेजी से धड़कने लगता है, एंड ही टर्न पेल, और वो पीला पड़ जाता है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि जुम्मन और अलगू के बीच में तो दुश्मनी चल रही थी, और साहू ने मौका देखते हुए जुम्मन का नाम ले दिया। अब अलगू बहुत दुखी तो हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और वो क्षण आया जब जुम्मन को हेड पंच बनने के बाद में अपना फैसला सुनाना था। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, और उसको एक जज होते हुए, एक निर्णायन होते हुए अपनी जिम्मेदारियां याद आई, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसके कर्तव्य का क्या आदर सम्मान है, उसको मान सम्मान सब याद आया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, कि जब वो उस ऊंची जगह पे बैठेगा, उस ओहदे पे, उस पद पे बैठेगा, हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या बदला ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब वो सोचता है कि ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी जो पर्सनल फीलिंग्स है, मतलब उसका जो निजी मामला है, वो उसको पंचायत के इस मामले में सच बोलने से नहीं रोक पाएगा, कि वो उसने सोच लिया कि जो सच है मैं वही बोलूंगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेट देयर केसेस, अलगू ने और साहू ने, दोनों ने अपने केस सुनाई, अपनी अपनी बात बताई, पंचायत के सामने रखी। देवर क्रॉस्ड एग्जामाइन, और उन दोनों से काफ़ी लोगों के द्वारा क्वेश्चंस पुट किए गए, मतलब मामले को गहराई से जानने की कोशिश की गई। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और उस मामले को, उनके केस को बहुत ही गहराई से सुना गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, इट इज आवर ओपिनियन, हमारा ये निर्णय है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू को, अलगू को पैसे देने ही होंगे, बैल की कीमत चुकानी ही होगी। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने ये बैल लिया था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजेस, कि इसको कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई रोग या बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, कि इस बैल की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए, ये जो आकस्मिक मृत्यु बैल की हो गई है, इसके लिए अलगू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अब अलगू अपनी भावनाओं को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो खड़ा होकर जोर जोर से बार बार बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हुई है, दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, की पंचायत की आवाज में भगवान निवास करते हैं। सून आफ्टर, उसके बाद, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, इम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगाया, इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाया, एंड सेड, और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मैन टू बी ए पंच, आज मुझे एहसास हुआ कि एक पंच का क्या निर्णय होता है, या उसकी मतलब कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो पंच को वही करना चाहिए जो सच होता है, जो सही होता है लोगों की नजर में। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, कि एक पंच का ना तो कोई दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको तो केवल न्याय का पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कि किसी को भी सच के रास्ते से नहीं हटना चाहिए। डेविएट का मतलब है हट जाना, तो लेट नो वन डेविएट मतलब किसी को भी नहीं हटना चाहिए फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, सच के रास्ते से, एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और फिर अपनी दोस्ती या दुश्मनी के लिए। अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड, अलगू अपने दोस्त को गले लगाता है और रोता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनके बीच, दोनों के बीच जो भी गलत फहमियाँ थी, वो उसके आंसुओं के साथ ही धुल जाती हैं। तो अभी ये लेसन समाप्त होता है, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।